इंदौर की एक महिला ने फेक आईडी बनाकर अपने पति की हरकतों को उजागर किया। महिला ने फेसबुक पर एंजल शर्मा के नाम से आईडी बनाई और पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। लड़की की रिक्वेस्ट देख पति ने एक्सेप्ट कर ली। महिला ने उससे चैटिंग शुरू की। पति अश्लील मैसेज भेजने लगा, उसने सारी हदें पार कर दी। महिला ने पूरी चैट के स्क्रीनशॉट ले लिए। सारे सबूतों के साथ पीड़िता जन सुनवाई में पुलिस के पास पहुंची, यहां से एरोड्रम थाने जाने का कह दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक वनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्रीय सिख संगत पंजाब विभिन्न दायित्वों पर रहे वरिष्ठ प्रचारक गोपाल इरतीकर का 87 वर्ष की आयु में बुधवार को सुबह दुखद निधन हो गया है। सूचना मिलने के बाद सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ कार्यालय पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सागर जिले के बीना कस्बे की रहने वाली युवती अपने परिवार के साथ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी गई थी। एक दिन सुबह जिस होटल में युवती रुकी हुई थी वहां से उसके कपड़े नीचे गिर गए थे। वह अपने कपड़े लेने होटल के नीचे गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजन ने खोजा लेकिन वह नहीं मिली। 3 दिन बाद उसकी लाश समुद्र किनारे अधजली और सड़ी हुई हालत में मिली। बुरहानपुर में 15-20 बदमाशों ने वन चौकी में तोड़फोड़ की। वे 17 बंदूकें लूट ले गए। घटना सोमवार रात 9:30 बजे की है। इसके चश्मदीद चौकीदार भोला और उसकी पत्नी है। दोनों रात का खाना खाने के बाद बैठे थे, तभी बदमाश उन पर टूट पड़े। बदमाशों ने दोनों से मारपीट की और बंदूकें लेकर भाग गए। रीवा में 12वीं के छात्र को उसके ही दोस्तों ने जानवरों की तरह पीटा। मुंह पर पैर रखकर छात्र को डंडों से मारा गया। मारपीट में 1-2 डंडे टूट भी गए। छात्र जब तक बेदम नहीं हो गया तब तक आरोपी छात्र को पीटते रहे। छात्र छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाता रहा लेकिन आरोपी नहीं पसीजे। घटना 15 दिन पहले की है। अब आरोपियों ने अपनी धमक जमाने के लिए खुद ये वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश की जा रही है।